हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, ये एक्जिमा सीरीज का हमारा आखिरी और तीसरा हिस्सा है, जिसमें हम बात करेंगे एक्जिमा के डायग्नोसिस के बारे में और इलाज के बारे में, और आप घर पर किस तरह से एक्जिमा को दोबारा होने से रोक सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों, बात करते हैं डायग्नोसिस की। ज़्यादातर समय पर डॉक्टर इसको देख कर पहचान लेते हैं कि ये स्किन एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है या स्किन एलर्जी, तो पहचाना जा सकता है देखकर। अब बात आती है एंडोजिनस और एक्जोजिनस में डिफ्रेंशिएट करने की। तो ये जो उसका क्लिनिकल पैटर्न है, कौन सी साइट्स इन्वॉल्व हैं, किस एज से स्टार्ट हुआ, साल भर में इसका जो बिहेवियर है एलर्जी का वो कैसा रहता है, इसके आधार पर पता लगा लिया जाता है कि ये एक्जोजिनस है या एंडोजिनस है। ज़्यादातर समय पता लग जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं पता लगता, तो डॉक्टर दोनों डायग्नोसिस पॉसिबिलिटीज रखता है। साथ में कई बार जो टेस्ट होते हैं, इसमें थायराइड के टेस्ट हो सकते हैं या आपका IgE लेवल टेस्ट किया जा सकता है, और जो बाहर वाली एलर्जीज होती हैं, जो एक्जोजीनस, जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, उसमें एक पैच टेस्ट होता है जिसमें आपके पीठ पर एक एलर्जन का पैनल होता है डॉक्टर के पास में, वो चिपकाया जाता है और 5 दिन तक वो पैनल चिपका हुआ रहता है, जिसको बीच बीच में 3रे दिन पे और 5वें दिन पे चेक किया जाता है, उसको पैच टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर सीरीज होती है, 24 से 25 कॉमन एलर्जन प्रेजेंट होते हैं। हर कंट्री की अपना अपना एक लिस्ट होता है, तो ऐसे ही अपना इंडिया का भी बना हुआ है। और उस एलर्जन लिस्ट के अलावा अगर और चीज़ों पर डाउट रहता है, तो हम पेशेंट से उन चीज़ों के कुछ सैंपल मंगवा लेते हैं और उसको बैक पर लगाया जाता है, तैयार करके उसको, तो उससे पता लग जाता है कि कौन से, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हेयर डाई में आप पेशेंट हमें आकर बोलता है कि मैंने तो 4 तरह की डाई यूज करी है पिछले 6 महीने में, तो हम चारों डाई के सैंपल मंगवाते हैं और उनको अप्लाई लगाया जाता है उसमें चैम्बर में, जो पैच टेस्ट का किट रहता है उसमें, और उसको 5 दिन तक छोड़ दिया जाता है। पता लग जाता है उनमें से कौन सी डाई से प्रॉब्लम हो रही है। एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसमें आपके हैंड पर एलर्जन वाले निडल टिप से प्रिक किया जाता है, क्विक प्रिक किया जाता है, जिससे पता लग जाता है। तो ये कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं, पर वो रूटीनली प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम में नहीं लिए जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ, कि खून से होने वाले एलर्जी टेस्ट के बारे में, कि कई बार पेशेंट हमसे जिद करते हैं कि आप हमारा एलर्जी टेस्ट करवा दीजिए, वो जो खून वाला टेस्ट होता है, कि पता तो लगे किस चीज़ से एलर्जी है। अब सपोज हमें ये पता है कि ये नॉर्मल एलर्जी है, पॉम्फोलिक से या न्यूमिलर एक्जिमा है या एस्टियोटिक एक्जिमा है या एंडोजिनस कैटेगरी के एक्जिमा है, तो वहाँ पर उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। और खून से होने वाले एलर्जी टेस्ट का यूं भी, एक्जोजिनस हो चाहे एंडोजिनस हो, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता। तो आप कभी भी देखना, स्किन के डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट इस खून से होने वाले एलर्जी टेस्ट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि आपने अपना ब्लड लिया और उस ब्लड को मशीन पर लगा दिया। अब उसका एक कट ऑफ होता है, पर्टिकुलर कट ऑफ। अब वो उस ब्लड में उस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए अगर वो कट ऑफ से ऊपर जा रहा है, तो वो सबको पॉजिटिव बोलेगा, चाहे उसमें 40 लिस्ट में आ रहे हो, चाहे 15 लिस्ट में आ रहे हो, चाहे 1 लिस्ट में आ रहा हो। और कॉमन उसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो सब में पॉजिटिव आते हैं, जैसे हाउस डस्ट हो गया तो वो सब में पॉजिटिव आता है ना। कुछ दवाइयों में भी ऐसा होता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवाई है, वो कई लोगों में पॉजिटिव आ जाती है। तो उस तरह के एलर्जी टेस्ट को हम बढ़ावा नहीं देते, वो एक तरह से मनी वेस्ट के बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उस टेस्ट को करवाने के बाद आपकी बीमारी पे, आपके बीमारी के ट्रीटमेंट पे कोई भी अंतर नहीं आता है। तो स्किन की एलर्जियों में खून से होने वाले एलर्जी टेस्ट को अवॉइड करना है। वो जितने पैसे में होता है, उतने में तो साल में 2 या 3 एपिसोड एलर्जी के ट्रीट किए जा सकते हैं आराम से। और कभी कभार, रेयरली, जब स्किन की एलर्जी और स्किन की दूसरी बीमारियां, जिनमें अगर अंतर पता नहीं चलता है, तो फिर उसमें स्किन बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, स्किन बायोप्सी से कारण कभी पता नहीं चलता। स्किन बायोप्सी से ये पता चल सकता है कि एलर्जी किस स्टेज पे है। तो कई बार पेशेंट फिर जिद करते हैं कि आप हमारा कुछ टेस्ट करा दीजिए, किस चीज़ से एलर्जी है, तो कारण पता नहीं चलता है उससे। उससे ये पता चल सकता है कि एक्यूट स्टेज पे है, यानी नया नया हुआ है, या बीच का सा है, सब एक्यूट स्टेज है, या क्रॉनिक स्टेज है, तो वो तो डॉक्टर देख के यूँ ही पहचान लेता है। तो इसलिए ही स्किन की एलर्जियों में, एक्जिमा में, बायोप्सी कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती है, क्योंकि जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है
और केवल डाउटफुल केसेज के लिए ही इन चीज़ों को यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इलाज की। जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो जो डॉक्टर है वो ये चेक करता है कि एंडोजीनस है या एक्जोजीनस है। अगर एक्जोजीनस है तो फैक्टर का पता लगाया जाता है। अगर वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री से पता लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पैच टेस्ट होता है, स्किन प्रिक टेस्ट होता है, उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा एलर्जन है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही होगी, तो उस फैक्टर को रिमूव कर किया जाता है अगर वो फैक्टर पता चलता है तो। पहला काम तो ये हो गया एंडोजीनस और एक्जोजीनस, ये दोनों का पता करना। दूसरा होता है कि किस स्टेज पे है, एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक स्टेज पे है, ये पता करना होता है। इलाज उसके आधार पे निर्भर करता है कि बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बहुत तेज का है, या स्टार्ट हुए हुए टाइम हो गया बीच का सा है, या पुरानी एलर्जी है जो वापस दोबारा जोर खाई है, या पुरानी एलर्जी चले आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर होता है कि बॉडी का कितना एरिया इन्वॉल्व है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 1, 2, 3, 4 गिनती के 4-5 निशान हैं। एक होता है कि पूरे शरीर पे बिखरे हुए हैं, पूरे के पूरा शरीर इन्वॉल्व है, और एक होता है कि पर्टिकुलर कुछ ही जगह इन्वॉल्व है लेकिन उसमें से पानी आ रहा है या बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो रखा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है बॉडी एरिया। थर्ड फैक्टर है बॉडी एरिया। अब तीनों कैटेगरी में से मैं एक एक बता देता हूँ आपको। सपोज एंडोजीनस है, एक्यूट है, नया स्टार्ट हुआ है और लिमिटेड एरिया पे है, तो डॉक्टर यहां पर आपको शॉर्ट कोर्स ऑफ एलर्जी जो बोल सकते हैं या शॉर्ट ट्रीटमेंट सिलेक्ट करता है। उसके दिमाग में रहता है कि जो आपका एलर्जी है वो अगले 20-25 दिन में, 1 महीने में या 1.5 महीने में सेटल हो जाएगा, तो उसके प्लानिंग में यही रहता है। अगर सपोज दूसरी तरफ आपका बीमारी क्रॉनिक है और बहुत लंबे टाइम से, यानी क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से और एक्सटेंसिव पूरे शरीर पे फैला हुआ है, तो उसको पता है कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो 20-25 दिन महीने भर वाला जो ट्रीटमेंट है, उससे आपका एलर्जी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होगा, तो वो दो तरह की दवाइयां यहाँ पर प्लान करके रखता है। एक इनिशियली फटाफट आपको इम्प्रूवमेंट देने के लिए और दूसरी उसको मेंटेन रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर बहुत छोटी मोटी एलर्जी होती है, कम एलर्जी होती है, तो मॉइस्चराइजर और लगाने वाली ट्यूब और खुजली की गोलियां। लगाने वाली ट्यूब में स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं जिसमें क्लोबिटासोल, मोमेटासोन, हेलोबिटासोल, फ्लूटिकासोन, डेजोनाइड या हाइड्रोकोर्टिसोन, जिसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उस पर सब समझाया हुआ है, इनमें से कोई सी भी एक हो सकती है। मॉइस्चराइजर सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, चाहे वो एंडोजीनस हो, एक्जोजीनस हो, किसी भी टाइप का हो, कोई सा भी एज ग्रुप हो, कितने ही दिन पुराना हो, कितने दिन नया हो, कितना ही सीवियर हो, चाहे कम सीवियर हो, मॉइस्चराइजर सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये बंद नहीं होता है, ये समझ लीजिए। एक बार चालू होने के बाद आपको इसको कंटिन्यू यूज़ करना है, रेगुलर यूज़ करना, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से दोबारा ना हो एलर्जी। तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉइस्चराइजर, जैसे कि स्किन की जो छाया प्रॉब्लम होती है, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, वहाँ पर सनस्क्रीन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो कभी बंद नहीं होता, वैसे ही स्किन की एलर्जियों में, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस में मॉइस्चराइजर कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा लगाना है। अब लगाने वाली दवाइयों में स्टीरॉयड क्रीम्स हो गई। स्टीरॉयड क्रीम्स के अलावा कुछ नॉन स्टीरॉयडल क्रीम्स आती हैं, वो सिलेक्ट की जाती हैं बॉडी एरियाज के हिसाब से, जैसे फेस पर स्टीरॉयड क्रीम नहीं लगानी होती जल्दी से, बॉडी फोल्ड्स पर स्टीरॉयड क्रीम नहीं लगानी होती, तो वहाँ के लिए दूसरी दवाइयाँ होती हैं, उसमें विटामिन डी वाली क्रीम्स हो सकती हैं या कैल्शियम इनहिबिटर क्रीम्स हो सकती हैं, तो ये काम में ली जाती हैं, या बच्चों के लिए या बड़ों के लिए उस हिसाब से भी सिलेक्ट किया जाता है दवाई को। खुजली के लिए सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन या फिर फेनेरामीन, जो भी एंटी स्टेमिनिक्स आते हैं वो आप काम में ले सकते हैं, घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीनों चीज़ें, मॉइस्चराइजर, एक एंटी एलर्जिक क्रीम, उसमें स्टीरॉयड क्रीम काम में ले सकते हैं या नॉन स्टीरॉयडल क्रीम काम में ले सकते हैं, लेकिन फेस पर या बॉडी के बड़े एरियाज पर कभी भी डॉक्टर को बिना पूछे यूज ना करें, नुकसान होता है उनसे। और खुजली की जो गोली आती है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटी मोटी एलर्जी होगी तो 7 से 10 दिन में वो रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर जाती है, और अगर वहाँ से जो जिस फैक्टर की वजह से वो स्टार्ट ट्रिगर हुई होगी, अगर वो फैक्टर हट जाता है तो जल्दी से दोबारा नहीं होती है।
अब मान लो नहीं कंट्रोल हो रहा है इन चीज़ों से, तो खाने की दवाइयों में फिर ओरल स्टेरॉइड्स आते हैं। और अगर ओरल स्टेरॉइड जब हमें डॉक्टर को ही पता होता है कि लंबे कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ प्लान करके रखते हैं, जिसमें फिर मीथोट्रेक्जेट, एजाथाइप्रिन, माइकोफिनोलेट, मोफिटिल, इस तरह की दवाइयाँ काम में ली जाती हैं। जो नई दवाइयाँ हैं उसमें कुछ बायोलॉजिक्स हैं, खाने वाली गोलियों की फॉर्म में बायोलॉजिक्स हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में बायोलॉजिक्स हैं। तो वो जब बाकी ट्रीटमेंट से पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब काम में लिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट सावधानी ये होती है कि एक्जिमा में आपको एक तो बहुत अनावश्यक खुजली नहीं करनी होती। सपोज आपको एक इचिंग सेंसेशन आया, तो आपको उसको बहुत जोर जोर से नाखून से या पत्थर से या किसी और लकड़ी से, किसी ऑब्जेक्ट से, शार्प ऑब्जेक्ट से रगड़ना नहीं है उसको। अगर अनावश्यक आप खुजली करेंगे तो जो स्किन है उसको और ट्रॉमा होगा, और वो इच स्क्रैच साइकिल होता है वो चलता जाता है। फिर स्किन वहां से धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है और एदरी लुक आने लग जाता है स्किन का। तो अनावश्यक खुजली नहीं करना है। तो अब पेशेंट बोलता है कि सर खुजली तो आती है, उसका क्या करें? तो ऐसे केसेस में आप उसको मसल सकते हैं, जस्ट सॉफ्टली आप अपना मॉइस्चराइजर, कोकोनट ऑयल, वैसलिन वगैरह जो भी कुछ है वो लगा सकते हैं। तो उस बहाने एक मॉइस्चराइजर भी लग गया, मसलना भी हो गया, जो इचिंग सेंसेशन था उस वो भी कम हो जाता है। कई बार जो कुछ टेक्निक होती हैं कि जो जिस एरिया पे आपको खुजली चल रही है उस एरिया के जस्ट पास वाले स्किन को जोर से पिंच करना होता है, ताकि वो जो सेंसेशन है वो डाइवर्ट हो जाए और वो खुजली की जो इच्छा है आपकी वो खत्म हो जाए। तो इस तरह से भी आप एलर्जी की खुजली को बढ़ने से रोक सकते हो। कॉमन अगर उसमें समझना है लैंग्वेज में कि एलर्जी के दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक छोटा कोर्स और एक बड़ा कोर्स। छोटा कोर्स होता है वहां पर जहां डॉक्टर को ये पता होता है कि पेशेंट को लंबे कोर्स की जरूरत नहीं है, नया नया एलर्जी स्टार्ट हुआ है, एक दो निशान है गिनती के छोटे छोटे से, तो वहां पर कुछ लगाने की क्रीम होती है, खुजली की गोलियां होती है। एक शॉर्ट कोर्स होता है 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने का मैक्सिमम, और उसमें भी जो डोजेज होती हैं वो घटते हुए क्रम पर होती हैं, हमेशा एक जैसी डोज नहीं होती है। तो डॉक्टर आपको हमेशा अपने विजिट के हिसाब से अपने डोजेस को सेट करके इलाज देता है, और 1-1.5 महीने में इलाज बंद हो जाता है। और एक होता है लंबा कोर्स। तो लंबे कोर्स में कौन से पेशेंट्स जाते हैं जिनकी एलर्जियाँ पुरानी होती हैं, पूरे शरीर में फैली हुई रहती हैं, एक तो वो। दूसरा, जो आपने शॉर्ट कोर्स लिया उससे अगर आपकी एलर्जी में मान लो 3, 4, 5, 6 महीने का गैप आ जाता है, तो बड़ा कोर्स स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल में 2 बार 3 बार जैसे बुखार, खांसी, जुकाम सबको होता है, वैसे ही एलर्जियाँ साल में 2 बार 3 बार जोर खाती है मौसम चेंज होने पे या टेम्परेचर चेंज होने पे। तो उस टाइम पर वापस से शॉर्ट कोर्स लेना होता है जरूरत के हिसाब से, और एलर्जी का रेगुलर इलाज लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्ट कोर्स लेने के बाद भी, यानी आपने लिया और उसके जस्ट 5-7 दिन बाद, यानी पेशेंट आके बोलता है कि सर जब तक दवाई लेते हैं जब तक ठीक रहता है, 5-7 दिन पे वापस स्थिति खराब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाता है लॉन्ग कोर्स पर। लंबे कोर्स का क्या फायदा होता है? लंबे कोर्स में जो आपके शरीर को हानि ना पहुंचाए, जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह की दवाइयों का चयन किया जाता है, और वो सिलेक्शन करने के बाद उन दवाइयों को थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए चलाया जाता है, बहुत धीरे धीरे बंद किया जाता है, एक एक करके। सारी दवाइयाँ एक साथ बंद नहीं होती एलर्जी में, एक एक करके बंद किया जाता है उनको। और कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट अपनी बेसिक केयर पे ध्यान देता है स्किन की, तो लंबे टाइम के लिए उसको एलर्जी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कभी भी स्किन के डॉक्टर के मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे कि चमड़ी की एलर्जी एक्जिमा या डर्मेटाइटिस का जड़ से इलाज होता है, कभी नहीं बोलेगा डॉक्टर। मैंने शुरू में जो बोला था आपको कि इसके कारणों की जो मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं है, एकदम 100% क्लियर नहीं है। तो जिस चीज़ के कारण पूरी तरह क्लियर ना हो, उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर पाना मुश्किल है। हमारे पास ओपीडी में बहुत बार पेशेंट से बातें होती हैं, कई बार कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं कि जड़ से ठीक नहीं हो रही है, क्या इलाज कर रहे हो आप? दोस्तों, बीमारियों को समझिए। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो एक बार होने के बाद दोबारा ना हो। ऐसी कोई डिजीज नहीं होती जब तक आप उस अंग को शरीर से अलग ना कर दो तब तक वो डिजीज रिपीट ना हो। इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पर उस इन्फेक्शन की पर्टिकुलर दवाई खाने पर वो इन्फेक्शन उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन फिर भी दोबारा आपको लग सकता है, अनटिल अनलेस उसके लिए आपके लिए आपके बॉडी में उसके लिए परमानेंट इम्यूनिटी ना आ गई हो, जैसे चिकन पॉक्स। लेकिन
बाकी इन्फेक्शन भी दोबारा हो सकते हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, मलेरिया इस सीजन में हुआ है अगले सीजन में हो सकता है, डेंगू इस सीजन में हुआ है अगले सीजन में हो सकता है, टाइफॉइड साल में दो बार हो सकता है, वैसे ही एलर्जी है। स्किन इतना बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके शरीर का, आपके शरीर को दुनिया भर की सारी चीज़ों से एक्सपोज होने से बचाता है। उसका जो खुद का इम्यून सिस्टम है बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सैकड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें से कौन से मॉलिक्यूल से क्या डिस्टर्बेंसेज हैं, एलर्जी में कितना रोल है उस मॉलिक्यूल का, ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं है किसी भी दवाई से। और मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी पैथी में, होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो चाहे यूनानी हो चाहे कुछ भी हो, संभव नहीं है जड़ से ख़त्म करना। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं इसको जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने बोला शुरू में कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा यूट्यूब पर, कई लोगों के वीडियोस के टाइटल ऐसे हैं जड़ से इलाज, जड़ से ख़त्म करने का इलाज एग्जिमा को, तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्किन का इम्यून सिस्टम, आपने जो डोज लिया उस डोज से वो इम्यून सिस्टम एक लंबे समय के लिए शांत हो जाता है, सेटल हो जाता है, लेकिन उसको जड़ से ख़त्म होना नहीं बोलते, उसमें संभावनाएं ख़त्म नहीं होती हैं, संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो इतना प्रबंध किया जा सकता है कि आपकी एलर्जी कंट्रोल हो जाए, एलर्जी ख़त्म हो जाए, आपके निशान ख़त्म हो जाए और लंबे समय के लिए आपको वो जल्दी से दोबारा लौट के ना आए, इस तरह का इलाज संभव है। लेकिन ये उन मरीजों के लिए संभव है जो डॉक्टर को पूरे तहे दिल से सिंसियरली फॉलो करते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे वैसे इलाज करते हैं, जैसे जैसे उसने बंद करने के लिए बोला है इलाज को वैसे वैसे ही बंद करते हैं, तभी ये संभव होता है। एक इसमें खाने पीने का परहेज हो गया, तो खाने पीने में भी ऐसा होता है दोस्तों, जब तक आपको क्लियर कट डाउट नहीं है किसी चीज़ पर कि हाँ ये इस चीज़ की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एलर्जी खराब हो जाती है, तब तक डॉक्टर जनरली फूड रेस्ट्रिक्शंस नहीं बताते हैं। अब ये सब बातें हो गई, इलाज हो गया, अब आपको घर पे क्या करना है। सपोज डॉक्टर ने आपका एग्जिमा ठीक कर दिया, इलाज खाने वाली गोलियां बंद कर दी, और अब आप घर पे क्या कर सकते हैं जल्दी से दोबारा एग्जिमा ना हो। उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको जिस चीज़ से डाउट था या डॉक्टर ने आपको जिस चीज़ से दूर रहने के लिए बोला उस चीज़ से दूर रहना है। दूसरा, आपको मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाना है, चाहे एग्जिमा आपका ठीक हो गया हो तो भी आपको लगाते रहना है। जैसे जैसे डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड क्रीम को बंद करने के लिए बोला है, जो जो तरीका बोला है, जो जो पोटेंसी बोली है स्टेरॉइड क्रीम की, उसी तरह से क्रीम को घटाते जाना है। अब इसके बाद में आप सबसे फ्री हो गए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, सीजन चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ, आपकी जगह चेंज हो गई या आपने कुछ नया खा पी लिया या नया तरह का कुछ पहन लिया, किसी भी नई चीज़ से आपका एक्सपोजर हो गया और दोबारा से आपको उस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गया। तो दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट में क्या है, खुजली बनने लग गई है वहाँ पर। वो जो खुजली पिछले 3 से 4 महीने से नहीं हो रही थी, वो अब दिन में 3-4 बार होने लग गई है। आने वाले 3 से 4 दिन में वो खुजली की जगह पे हल्का सा स्किन उठा उठा सा लाल लाल महसूस होने लग गया, इसका मतलब वो एलर्जी दोबारा स्टार्ट होने वाली है। तो इस मौके पर आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर आप लगा ही रहे हो सुबह शाम रेगुलरली, आपको जो क्रीम डॉक्टर ने स्टेरॉइड क्रीम दिया था निशान पर लगाने का, जो दवाई दिया था, उसी क्रीम को स्टार्ट कर देना है। शुरू में आप उसको सुबह शाम लगाएंगे और धीरे धीरे फिर जब सही होता है तो उसको कम करना होता है, तो आप उसको निशान की जगह पर लगाइए। इस तरह के एपिसोड्स को, जो आपने अगर पहले दूसरे दिन पर ये स्टेरॉइड क्रीम यूज कर लिया है, तो इस तरह के एपिसोड्स को आप आसानी से 5 से 7 दिन में, 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जो एक्जिमा की टेंडेंसी आपकी साल में 3 बार 4 बार होने की थी, उसमें से 1 या 2 एपिसोड आप घर पे ठीक कर लेते हो, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सपोज कि क्राइटेरिया क्या है कि डॉक्टर के पास कब जाना है, आपको 10 दिन हो गए क्रीम लगाते लगाते, लेकिन वो जो जिस जगह आप क्रीम लगा रहे थे वहाँ से वो दाना कम नहीं हो रहा है, उसका सूजन कम नहीं हो रहा है, नई जगह बनता जा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि आपको फिर से वापस खाने की गोलियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हीं केसेज में ज़रूरत होती है। तो इस सावधानी रखने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप उन एपिसोड्स को खराब होने से रोक लेते हो। खराब होने से रोकने का फ़ायदा क्या है, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं सर हो तो गया ना, बंद तो नहीं हुआ। फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि एक तो आप डॉक्टर के पास बिल्कुल ख़राब बीमारी लेकर पहुंचो, जिसमें वापस से 1.5 से 2 महीने का कोर्स चाहिए, एक होता है कि आप डॉक्टर के पास ऑलरेडी 50% कंट्रोल्ड पोजीशन लेकर के पहुंचो, 7 से 10 दिन 15 दिन की दवाई चाहिए, ये फ़ायदा होता है। आपके ध्यान रखने से आपको ही दवाइयों की जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है।
आप बीमारी से ज़्यादा फ्री हो पाते हो, डॉक्टर के पास विजिट्स कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा एग्जिमा के बारे में। और जिन लोगों को बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके किसी कंसर्न को इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए स्किन, हेयर और नेल्स से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।